आपको जो मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी है. एज एक्सपेक्टेड नागराज मंजुळे जो डायरेक्टर है हमेशा न्यू मूवीज क्रिएट करते हैं. एंड अमिताभ बच्चन वॉज अ चेरी ऑन टॉप. लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसा बिहेव हमको करना चाहिए. सो इट वॉज अ ग्रेट मूवी. लाइक यंगस्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा मैसेज है कि एक लाइक कोई भी एक्टिविटी आपको कोई भी चीज़ से अगर वो बुरी चीज़ें से उससे दूर कर सकती है. सो इट वॉज अ गुड मूवी. एंजॉयबल था, मज़ा आया देखने के लिए. स्टोरी लाइन कैसी लगी आपको? स्टोरी लाइन वॉज गुड. आगे भी देखने की और इच्छा है अगर उसका सेकेंड पार्ट आता है कि और क्या हो सकता है उसके अंदर. तो होप्स हो कि वो भी हो जाए. सो आई वुड लव टू वॉच अगर उसका कोई सेकेंड पार्ट आता है तो. एंड अदर देन दैट अजय अतुल का जो सॉन्ग था वाकड़ा तिकड़ा, दैट वॉज गुड. लाइक अच्छा. किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज सबका एक अलग रोल था, सबका एक डिफरेंट कैरेक्टर था. सो इट वॉज गुड वॉचिंग एवरी वन. ओके, 5 में से कितना स्टार देना? ऑब्वियसली 5. मुझे मूवी अच्छी लगी. बहुत ही रॉ है, बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही रिलेटेबल है. और नागराज मंजुळे की इससे पहले हमने फैंडली देखी थी और सैराट देखी थी, तो मराठी मूवीज ही बनाते हैं. मूवी अच्छी है लेकिन बहुत लंबी है. आई थिंक एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था उन्हें. जो इसके एडिटर से कुतुब और वैभव, मैं उनको यही कहूँगा कि बहुत लंबी, इतने रैंडम सीन्स डाले हैं. मूवी अच्छी थी, एंटरटेनिंग है, लेकिन म्यूज़िक भी बहुत एवरेज है. अजय अतुल का म्यूज़िक जो हमने सैराट में देखा है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है. मूवी म्यूज़िक बहुत एवरेज है और एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था कि. ओके, आपको किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहूँ, वो हमेशा ही बहुत ही एफर्टलेसली रोल करते हैं. लेकिन छाया कदम जैसे सीजन एक्ट्रेस जिनको हमने वरन बात लोंचे में देखा, तो उनको वेस्ट किया गया है. रिंकू राजपूत, आकाश थोसर, उन्हें भी वेस्ट किया गया है. तो जो फोकस है मूवी का वो स्लम के किड्स ही हैं, लेकिन मूवी को इतना लंबा और इतना स्ट्रेच कर दिया है फॉर नो रीज़न. तो वो पब्लिक थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाएगी उस वजह से. मतलब जो मैसेज है वो अच्छा है कि यू नो विजय बरसे की रियल लाइफ स्टोरी है कि उन्होंने कैसे स्लम के किड्स को रिहैबिलिटेट किया, उन्हें ड्रग्स से बाहर निकाल के, क्राइम के वर्ल्ड से बाहर निकाल के. बट अगेन उन्होंने स्लम सॉकर नाम की टीम यू नो एनजीओ स्थापित की. बट अगेन यही है मेन जो मुद्दा है, उससे हटके इतना कुछ अनयूजुअल सा दिखाया है जिसको आराम से एडिट किया जा सकता है. सिनेमेटोग्राफी भी सुधाकर रेड्डी की और अच्छी हो सकती थी. आखिर कितना स्टार देना चाहेंगे इसमें? सो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट, आई विल गिव 3 स्टार्स. और अच्छी हो सकती थी, म्यूजिक भी और अच्छा हो सकता था. आपको फिल्म कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी लगी. पहले तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. इसमें निचले वर्गों को मतलब कैसे किस तकलीफ़ों से जाते हैं वो दिखाया गया, सबसे बड़ी बात. और कैसे समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देती है जस्ट बिकॉज कि उनका हिस्ट्री ख़राब है या फिर उन्होंने क्राइम किया हुआ है. तो यू नो, तो मुझे फिल्म में ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने पूरे इन सारी चीज़ों को दिखाया. मैचेस नहीं दिखाए ज़्यादातर, कि उन्होंने वो विदेश में जाके उन्होंने मैचेस जीते, क्या किए वगैरह. क्योंकि मुझे लगता है इस फिल्म का मेन मोटिव था हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, हाउ टू बिल्ड अ टीम. मैनेजमेंट लेसन्स थी ये, हाउ टू शो ट्रस्ट. जैसे आज आप शायद हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, जैसे मैं बंगाली बोलता हूँ क्योंकि मेरे आसपास लोग वही बोलते थे. तो अगर जैसे लोगों को आप जिस तरह का परिवेश और पर्यावरण दोगे वो ऐसे ही बनेंगे. आई थिंक दैट्स समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस मूवी एंड शुड अप्रिशिएट नागराज जी. आपको किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, अमिताभ बच्चन जी का या नागराज? अमिताभ बच्चन जी तो लाइक देयर इज नो पॉइंट, यू कैन नॉट लाइक हिम, ही इज़ तो देयर. वो तो हमारे जहन में बस चुका है. अगर वो बुरी भी एक्टिंग करे विल फाइंड इट रियली ऑसम. लेकिन वहाँ पे ना एक बच्चा था जिसके, जैसे मेरा ग्रीन है उसका रेड था है. माई गॉड, हिज डायलॉग डिलीवरी, हिज टाइमिंग इज सो फैबुलस. लाइक आई लाइक आफ्टर अमिताभ बच्चन दैट पर्टिकुलर गाइज डायलॉग डिलीवरी एंड हिज कैमरा प्रेजेंस. स्टोरी लाइन कैसी थी मूवी की? स्टोरी तो देखिए हमें पहले से पता है क्योंकि 2014 में ये स्टोरी आ चुकी थी सत्यमेव जयते में और आमिर खान ने इंटरव्यू किया था, सारे हमने देखा हुआ है. लेकिन उसको अच्छे से बिल्ड किया नागराज जी ने. एंड तो द स्टोरी इज किंग हियर. फाइन, इतना स्टार देना चाहिए? सी आई ऑलवेज गिव 5/5 टू फिल्म्स क्योंकि इट्स नॉट इजी टू मेक सच अ फिल्म. एक महानायक के साथ पीपल हु जस्ट हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन, इट्स टफ. सो आई वुड से इट्स अ वेरी ग्रेट टीम दैट दे हैव बिल्ड अप टू पुल आउट दिस फिल्म. थैंक यू सो मच. मूवी कैसी लगी? मुझे तो बोरिंग लगी पिक्चर क्योंकि सबसे बड़ी बहुत लंबी पिक्चर है, 3 घंटे के ऊपर है. तो ऑडियंस इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं आज के टाइम जमाने में. किस
किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा था इस फिल्म? इसमें क्या है, जो कैरेक्टर जो सब है ना उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, उसमें कुछ जो बैकग्राउंड उनका कुछ डिटेल में नहीं दिखाया है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है इसमें। सबसे बड़ा अच्छा है गाने, गाने अच्छे हैं। और आपको कौन सा गाना पसंद आया इस मूवी में? लात मार, और टाइटल सॉन्ग जो है वो भी अच्छा है। आप कितने स्टार देना चाहेंगे इसमें? दो। पिक्चर कैसी लगी झुंड? देखिए पिक्चर एवरेज लगी, बहुत सुपर डुपर नहीं लगी। मतलब इस मूवी में बताया ये गया है कि नीचे तबके को लोगों को ऊपर ले जाने के लिए अगर प्रयत्न किया जाए तो वो पॉसिबल है, लेकिन प्रयत्न करने वाला बहुत ही मतलब उम्दा काम करता है और वो करके भी दिखाता है। अमिताभ बच्चन बहुत सालों बाद अभी स्क्रीन में आए तो उनका एक क्रेज भी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और इन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल किया है। डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा अटपटा लगा, पिक्चर थोड़ी लंबी हो गई, एक दो गाने जबरदस्ती डाले, एक जय भीम में गाना इन्होंने डाला, उसका कोई मतलब नहीं था इंटरवल के पहले, और इंटरवल के बाद पिक्चर बहुत अच्छी हुई। लास्ट में एक स्पीच आती है अमिताभ बच्चन की, वो इतनी इम्प्रेसिव थी, इतनी इम्प्रेसिव जिसका कोई हिसाब नहीं, और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर हमारे समाज ने टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो जो बढ़ चुके हैं उन्होंने इतनी बड़ी दीवार बनाई है ना कि उसको लादना मुश्किल है, तो उसके लिए उस दीवार को हमको नीची करनी पड़ेगी तो ही इस देश में से टैलेंट बाहर आएगा। वो बहुत अच्छा बोला। सबसे ज़्यादा किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा इस पूरी पिक्चर में? परफॉर्मेंस इसमें देखिए जो स्लम के जो किड्स बताए ना उसका सबका डिफरेंट काइंड ऑफ रोल है, अमिताभ बच्चन ही नंबर वन है। आपको गाना कैसा लगा इस पिक्चर का? गाना इंस्पिरेशन लेवल का है, मोटिवेशन होता है इसे, मैंने किसी भी तरह से इन्होंने लगान बनाने की कोशिश की कि गेम है वो क्रिकेट था ये फुटबॉल है, कि लगान टाइप हम करें और लोगों का मन जीत लें। आप कितने स्टार देना चाहेंगे इस पिक्चर को? स्टार वाइज अगर देखिए इंटरटेनमेंट बहुत कम है इसलिए स्टार वाइज तो 2.5 या 3 बहुत मुश्किल से होते हैं। थैंक यू। कैसी लगी सर? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी, खासकर अमिताभ बच्चन जी का काम बहुत अच्छा लगा, और जितने भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के रोल बताए ऐसा लगा कि बिल्कुल एक्चुअल है, ऐसा कहीं से आर्टिफिशियल कहीं से नहीं लगा, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। आपको सबसे ज़्यादा इस पूरे पिक्चर में किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, अमिताभ बच्चन जी का या जो छोटे मोटे जो मेन कैरेक्टर थे? नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन जी तो खैर उनकी बात ही कहीं नहीं, लेकिन उनके आगे जो छोटे छोटे बच्चे नए नए बच्चे थे उनका भी बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने भी। यानी एक पिक्चर में एक सबक लेने लायक है कि अगर किसी को हेल्प किए तो आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये एक इसमें एक सीखने वाली बात है, बहुत अच्छा रोल हुआ। पिक्चर की स्टोरी लाइन कैसी लगी, जो इसकी स्टोरी थी जैसे उसको दर्शाया गया कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा पिक्चर मूवी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसका फिल्मांकन बहुत अच्छा था, शूटिंग के प्लेसेस बहुत अच्छे थे, सब ये ओरिजिनल लग रहा था, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि आर्टिफिशियल है। बहुत दिनों बाद ऐसी पिक्चर देखने मिली कि जो ओरिजिनलिटी देखने मिली है, नहीं तो कोई आर्टिफिशियल पाना बिल्कुल नहीं दिखा इसमें, बहुत अच्छा। कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं इसको बिल्कुल 5 स्टार देना चाहूँगा, मैक्सिमम स्टार देना चाहूँगा। आपको झुंड मूवी कैसी लगी? मुझे झुंड मूवी बहुत 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 अच्छी लगी, और ये मैंने बहुत अरसे बाद देखा है कि थिएटर में लोग मैं भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतने भावुक हो गए और बीच बीच में तालियां बज रही थी, तो मुझे लगता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है इस चीज़ का कि झुंड मूवी कैसी लगी है। बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म है। और उसका मतलब जो स्टोरी लाइन थी वो कैसा था, स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी? देखिए स्टोरी जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, यह हम सत्यमेव जयते में देख चुके हैं पहले, और मुझे लगता है शायद इस चीज़ को बनाने की प्रेरणा नागराज मंजुनाथ पोपट जी को वहीं से मिली होगी। तो स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, स्टोरी हमें पता है, बट मुझे लगता है इस फिल्म को हमें स्टोरी से कई आगे बढ़कर देखना चाहिए, जहाँ पर इस फिल्म का उद्देश्य है कि हम ये एक दूसरे को बताएं कि हम सबके अंदर एक प्रतिभा है और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और कोई किसी से कम नहीं, भले हमारे बीच में कुछ सामाजिक दीवारें हो। मुझे लगता है इस फिल्म को बनाने का बड़ा मकसद यह मैसेज पहुंचाना है लोगों के लिए। आपको किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा इस पूरी पिक्चर में?
मैं अगर आपको सच बताऊं, मुझे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उन लोगों का लगा जो शायद से बिल्कुल जाने माने लोग नहीं हैं, जो पूरी फुटबॉल टीम बनाई गई है, वो सब एक से एक बढ़कर किरदार थे और ऐसा लग रहा था कि ये शायद हमारे बीच के लोग हैं और हमने इन सबको देखा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जो मेन जिसका अंकुश मेश्राम जो है फिल्म में किरदार उनका, और एक बहुत ही छोटा बच्चा है उनकी टीम में जो आपको देख के आपको उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा। ओके, पिक्चर का गाना कैसा है? गाना, गाने बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है आप, पर ऐसा है कि गाने जो है उस जो पर्टिकुलर सीन्स होते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उत्सव पर फिल्म में दिखाया गया है, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली मुझे उस गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो लिरिक्स में जो इन इन लोगों की जो एक दिन ब दिन की ज़िंदगी है और कैसे इन लोगों का एक एटीट्यूड है वो बताया गया है और उसको बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। मुझे वो गाना सबसे अच्छा लगा पूरी फिल्म में। इस मूवी को कितना स्टार देना पसंद करेंगे? मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 5 स्टार, बहुत प्यारी फिल्म। थैंक यू सो मच।